अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप हमेशा अपने घरों में शादो आबाद रहिए, आमीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आउट स्टाइल विद रिजी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूथ के हवाले से मुझे बात करना है। उस दिन खान साहब का जलसा था और गुजरांवाला में मौना सिलाई साहब फरमा रहे थे कि यूथ जो है वो आपकी बहुत ही गर्विदा है, लेकिन ये पेरेंट्स का कहना नहीं मानती, कहना नहीं मानती, या बदतहजीब हो गई है, या फिर यूं कह लीजिए कि उनको शऊर नहीं रहा, या उनको उनके हकूक के बारे में नहीं पता। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम लोग हैं, हमारा मुआशरा है, हमारा सिस्टम है, हमारा माहौल है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, या फिर खुद इमरान साहब। बात बहुत ही अहम है। हमें हमेशा से यही समझाते, हम सुनते भी आ रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े हमें ये कहते भी आ रहे हैं कि पेरेंट्स के हकूक होते हैं, और हम लोगों ने कुरान पाक में भी पढ़ा है, अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि पेरेंट्स को उफ तक नहीं कहना चाहिए जब वो बुढ़ापे में हों, और वैसे भी उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी यही है, अहादीस मुबारका में भी यही जिक्र मिलता है, और हमें हमने हर जगह पढ़ा कि पेरेंट्स का क्या रुतबा है। और बेशक होना भी है, होना भी चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। अगर हमें अपनी जिंदगियों में कामयाब होना है तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और हमें करनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा दीन हमें ये सबक देता है कि हमें अपने वालिदैन का एहतराम भी करना चाहिए, और उनका ख्याल वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि उन्होंने हमें बचपन में प्यार और मोहब्बत से पाला। और आज जो कुछ भी हम हैं ये सब हमारे पेरेंट्स का ही दिया हुआ है। तो हमारे पेरेंट्स अक्सर ये हम लोगों ने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जब हमारा ज़माना था तो हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, औलादें ऐसी थीं, बच्चे ऐसे थे, और वो सर नहीं उठाते थे, और बरकतें थीं, और सब कुछ था, और बेशक था भी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हम बदतमीज़ हो गए हैं, या फिर हम में शऊर नहीं रहा, या फिर हम में इल्म की कमी है? पहले जमाने में क्या था? पहले जमाने में ईमान था, इल्म था, जी इल्म नहीं था लेकिन ईमान बहुत था। आज ईमान नहीं है, इल्म बहुत है हमें। हमारे पेरेंट्स जब भी बोलते हैं हम लोग उन्हें ये कह के चुप करा देते हैं, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। तो हमने अपने पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर दिया। क्यों क्यों आज हमें कोई ये कहे कि हाँ, आप अपने लीडर की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते? तो मैं अपने बहन भाइयों से जो मेरी एज के हैं, मुझसे छोटे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए, इतना कि जितना उन्होंने हमें बचपन में प्यार दिया, मोहब्बत से पाला, हमें खाना खिलाया, खुद भूखे रहे, और आज तक भी आप कभी उठते हों, नमाज पढ़ते हों, और उसके बाद नाश्ता करके तैयार हो के ऑफिस के लिए जाने लगते हों, और आपको एकदम से ख्याल आता हो कि आपकी माँ हैं, आप उनके पास जाएं, आप उनके पाँव पकड़ के उन्हें अल्लाह हाफिज़ बोलें, और कभी नाश्ता भी ना करें और उनके पास चले जाएं, अपनी अम्मी जान के पास चले जाएं, अपने अब्बू जान के पास चले जाएं, और कहें कि अब्बू जान, अम्मी जान, आज नाश्ता आप हमारे लिए बनाइए। तो देखिए कि माँ को भूख नहीं भी होगी ना, तो आपके इस अल्फाज से ना उनकी भूख जाग उठेगी, और वो दौड़ते दौड़ते जाएंगी, हालांकि उनसे उठा भी नहीं जाएगा, लेकिन वो आपके लिए नाश्ता बना के लाएंगी। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है, माँ माँ होती है, और बाप की शफकत से इंसान कुछ भी नहीं, मतलब अगर शफकत ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं बन सकता।
बाप की शफकत है तो सब कुछ है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए कि अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में कामयाब होना है तो वालिदैन का दुआओं से, उनके साथ से ही होगा, वरना आप ना दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे कि हम लीडर की तो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स की नहीं करते? सोचिए, करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस होगा। अब जरा मैं वालिदैन से बात करूंगी कि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा राइट्स के बारे में। आप सोचिए कि औलाद के भी तो राइट्स होते हैं, औलाद को भी समझिए, अपने बच्चों को समझिए। जब तक आप अपने बच्चों को अच्छा माहौल नहीं देंगे, वो कभी भी, वो बाहर जाके एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। असल में उनके घर का माहौल ही ऐसा होता है। घरों में जो माहौल हम अपने बच्चों को देते हैं, वो फिर वैसी ही शख्सियत का शख्स बन के बाहर निकलता है, क्योंकि सबसे पहली गोद माँ की और दूसरी गोद उसका घर ही होता है। माँ से इंसान सीख के एक अच्छा इंसान भी बन जाता है और माँ से सीख के एक इंसान बहुत ही बुरा इंसान बन जाता है। एक एक कामयाब कौम, एक कामयाब हस्ती के पीछे औरत का हाथ होता है और एक कामयाब बच्चे या बच्ची के पीछे उसकी माँ बाप का हाथ होता है। आप अपने बच्चों को समझिए, पहले वक्तों में क्या था कि इतनी खूबसूरती थी रिश्तों में, क्यों बरकतें थी कि हम मिलनसार थे। तब ये बड़े बड़े मकान नहीं होते थे, तब ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती थी, कच्चे मकान होते थे, खाना पीना भी इतना नहीं होता था, मिलनसारी होती थी। अगर एक घर में खाना पकता था तो पूरे मोहल्ले में भी बांट दो ना, तब भी बच जाता था, ईमान था और ये यकीन था अल्लाह की जात पे, पुख्ता ईमान था हमारा कि कम नहीं पड़ेगा, बांट के खाते हैं। दादा दादी, नाना नानी ये बैठ के बच्चों को समझाया करते थे। माँ बाप अगर इनको छोड़ते थे तो दादा दादी नाना नानी की गोद ही इनको बहुत ही कामयाब इंसान बनाती थी। तब हम लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, रिश्ते थे। आज हमारे पास मोबाइल्स हैं पर रिश्ते नहीं। सोचिए क्यों, क्या हम आज इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमने अपने आप को एक ऐसी चीज के हवाले कर दिया है जो के बैरूने ममालिक के लोग चाहते हैं, जो हमारे इस्लाम दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि हम ऐसा करें और हम ऐसा कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, हम अच्छा बनने जो एक दिखावा होता है वो ज्यादा करना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छा जो इंसान शख्सियत का निखार होता है उसको कोई करना नहीं चाहता। आप आज की पेरेंट्स क्या कहते हैं अपने बच्चों से, तुम दादा दादी के पास गए थे, खबरदार तुमने नहीं जाना आइंदा। तुम नाना नानी के पास गए थे, बाबा पूछते हैं, आइंदा नहीं जाना। तो क्या होता है कि जब उनके एक्सपीरियंसेस हमें, हम सीख ही नहीं पाते, हमें मिलने मिलाने ही नहीं दिया जाता। जब हम तन्हाई में होते हैं तो फिर हम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हम बदतमीज हो जाते हैं, बदतहजीब हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पेरेंट्स का कहीं ना कहीं हाथ है। खुदाया अपने बच्चों को समझिए, उनकी परेशानियां, उनकी तन्हाइयों को दूर कीजिए, उनको, उनका साथ दीजिए, उनकी बात को समझिए। वो यंग हैं, वो आज, उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तहजीब जो होती है वो घर से बोलती है, वो किस घर से, किस खानदान से ताल्लुक रखता है ये बताती है। आज आज हम ये तो कहना बहुत ही आराम से हम कह देते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना हाथ है अपने बच्चों को बदतमीज करने में। हमने अपने आप को इतना मसरूफ कर लिया हुआ है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है।
रिश्तों को क्यों नहीं पहचानते हम लोग? हम इतने ज्यादा अपने सोशल लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं और उतने ही तनहा भी हो गए हैं। सोचिए और करके देखिए। आप जानते हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब उनकी शहादत हो रही थी, जब वो गए थे वहां पे करबला के मैदान में, और जब वो दुश्मन आते थे उनको शहीद करने के लिए, उनको इजा पहुंचाने के लिए, तो वो एक ही बार 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 क्यों कर रहे थे? क्यों कहते थे कि सोच लो, समझ लो, आले रसूल, औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल मत करो कि जहन्नमी हो जाओगे? उनको उनकी बातें क्यों समझ नहीं आती थी? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तुमको मेरी बात इसलिए नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे शिकम में हराम है, हराम लुकमा है, इसीलिए तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कह रही कि हम या आप अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं। हराम सिर्फ ये नहीं होता कि हम बाहर गए और हम लोगों ने अपने जो भी हम कारोबार करते हैं, हमने उसमें कोई बेईमानी की तो उसमें हराम। हराम ये नहीं होता। हराम काम बहुत सारे हम करते हैं। हराम काम हम अपने ही बच्चों से नजरें चुराते हैं, अपने ही बच्चों को टाइम नहीं देते, अपने ही बच्चों को तहजीब नहीं सिखा पाते, उनको अच्छा माहौल नहीं दे पाते, उनको हम दहशतगर्द बना देते हैं, उनको हम इंतहा पसंद बना देते हैं, उनको हम अजियत पसंद बना देते हैं, उनको हम तकलीफ देने वाला बना देते हैं। असल में हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, हम खुद ही अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। जब हम अपने बच्चों को एक अच्छे निवाला दे के पालेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो कभी भी आपके सामने नहीं होगा, कभी भी वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप गलत कह रहे हो। वो हमेशा आपकी बात मानेगा, आपका फर्मा बरदार होगा। करके देखिए। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूं कि अपनी हर इंसान अपनी अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करे। रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, और जब ये बिछड़ते हैं तो फिर पता चलता है कि क्या हुआ। और वालिदैन का नेमुल बदल कहीं नहीं है। अपना एहतसाब खुद कीजिए। जो जो मेरी बात कोई सुन रहा है, चाहे वो औलाद है, चाहे वो वालिदैन है, चाहे वो सास ससुर है, चाहे वो मायका है, ससुराल है, हर किसी का उनके बच्चों से ताल्लुक है। हर घर में बच्चे हैं, कहीं जवान बच्चे हैं, कहीं छोटे बच्चे हैं, कहीं पैदा हुए हुए बच्चे हैं। आज कल के लोगों ने जो हमें सिखाया, हम वैसे ही अच्छे हो गए। अच्छा सिखाया तो हम अच्छे हुए ना। आज हमारी औलादें क्यों खराब हो रही हैं? क्योंकि हम अच्छा उनको सिखा ही नहीं पा रहे। हम लोग वैसी एक्टिविटीज उनको दे ही नहीं पा रहे जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी थी। वो सच्चा जमाना, वो सच्चा वक्त नहीं दे पा रहे हम उन्हें। हम हर बार यही सोचते हैं कि आज नहीं कल कर देंगे। हम अपनी अपनी जगह पे सोचें कि हम क्या गलत नहीं कर रहे। आप अपने घर में लिख के लगा दीजिए, फ्रिज पे, किचन में, बेड पे, मिरर पे, डोर्स पे, कि अल्लाह देख रहा है। आप यकीन कीजिए, इसके करने से आप बहुत ज्यादा आपको सुकून महसूस होगा। आप जब भी उस लिखे हुए को पढ़ेंगे तो आपके दिल में एक ख्याल आएगा कि वाकई खुदा देख रहा है। खुदा हमसे पूछेगा कल कि हमने अपने पीछे कौन सी ऐसी औलाद छोड़ी, उसको क्या सिखाया। जब हमसे कब्र में अल्लाह ताला हमारी औलादों के बारे में सवाल करेंगे तो बताइए हमारे पास क्या जवाब होगा? हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे कि हमारे पास हमारे ही बच्चों के लिए टाइम नहीं था? आज हमारे बच्चे जब थक हार के सोते हैं और हम उन्हें सुबह नमाज के लिए नहीं उठाते, कहते हैं कि जी सारी रात बच्चा पढ़ता रहा,
आप उन्हें नमाज के लिए कैसे उठाते? आपको उनकी नमाज, आपको उनका सोना ज्यादा पसंद है, उनकी नमाज पसंद नहीं? आप सोचिए कि जो नींद वो यहां पे वो गहरी नींद ले रहे हैं, तो कल को वो जब आग की लपटों में होंगे तब भी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आज क्यों नहीं? जब हम उन्हें नमाज के लिए उठाएंगे, जब हम आपस में बहन भाई इकट्ठे होते हैं, जब हम बैठते थे बचपन में भी, तो हमारे पेरेंट्स हमें कभी भी सिखाते थे, उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा था कि आप लोगों ने इकट्ठे नहीं रहना, आप लोगों ने इकट्ठे रहना है। अगर हम कोई गलती करते थे तो हमें समझाया जाता था, अगर हम नहीं समझते थे तो हमें फिर थप्पड़ से समझाया जाता था। फिर वही हम तरबियत लेके हम आगे बढ़ गए। आज हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते? आज अगर आप लोग अपनी न्यू जनरेशन को समझाएंगे, तो याद रखिए, कल वो किसी भाई का कत्ल नहीं करेगा, कल वो किसी बहन का हक नहीं खाएगा, जायदाद में, विरासत में उसको हिस्सेदार ठहराएगा। जब हम अपने अपनी अपनी जगह पे अपना अपना एहतसाब करके हम एक दूसरे को ठीक करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि यूथ अपनी पेरेंट्स की बदलिहाज हो जाए, बद तहजीब हो जाए। वो तो मदीना, रियासत मदीना बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। रियासत मदीना ऐसे नहीं बन जाएगा। रियासत मदीना बनाने के लिए हमें, हम सबको अपनी अपनी जगह पे ठीक होना पड़ेगा। पहले पहल अपने घर से शुरू कीजिए, अपने रिश्तों से शुरू कीजिए, अपने सास ससुर से शुरू कीजिए। सास ससुर तो कहिए ही नहीं, वो भी तो हमारे वालिदैन हैं, हमारे खामन के वालिदैन हमारे वालिदैन होते हैं ना, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स ही दिखाई देते हैं, वो भी तब तक जब तक हम लोग उस घर में होते हैं, फिर जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। जब आप लोग अपने रिश्तों की पहचान करना सीखेंगे, अपने रिश्तों को बना के जोड़ के रखना सीखेंगे, तो यकीन कीजिए कभी आपकी औलाद आपके सामने नहीं होगी। खुदारा अपने बच्चों को समझिए, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, खुद को इतना मसरूफ मत कीजिए कि ये रिश्ते हमसे रूठ जाएं और बहुत दूर चले जाएं। और चले भी जाते हैं कि सब ने यहाँ से जाना है, सब ने मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को अल्लाह के सुपुर्द होना है। तो कल पछताएं, आज क्यों नहीं? आज ही रिश्ते अवेलेबल हैं, खुद को ठीक कर लीजिए। सोचिए कभी अपने पेरेंट्स को किसी के घर छोड़ के आइए और फिर आप उनको ढूंढते रहिए, एक उम्मीद होगी कि वहां फलानी जगह पे वो बैठे हैं, उनको लाना है घर। कभी ये सोचिए कि वो घर पे नहीं है, और ये सोचिए कि नहीं ला ही नहीं सकते, तो यकीन कीजिए आपका दिल डूब जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे, आप सुकून आपको एक लम्हा भी नहीं आएगा। अपने वालिदैन का एहतराम करना सीखिए, उनमें इल्म की कमी थी, ईमान की नहीं, शऊर उनका बहुत है, और शऊर जो उन्होंने हमें दिया उसी शऊर को इस्तेमाल कीजिए। ये जो आप अपना टाइम अपने मोबाइल्स को देते हैं, अपने पेरेंट्स को दीजिए, देखिए कैसी हकीकी खुशी आती है घर में, कैसी बरकतें आती हैं। उनकी दुआएं लेके जाया कीजिए ऑफिसेज में, पढ़ने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने वालिदैन के पांव छू के जाया कीजिए। आज हम इतने कैसे, हम इतने पत्थर दिल होते जा रहे हैं? क्यों हम भूल गए हैं कि हम मुसलमान हैं? हमारा दीन हमें ये कैसी, हमें ये तालीमात देता है रिश्तों को, रहम के रिश्तों को जोड़ के रखने की। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं रहम के रिश्ते तोड़ने वालों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और रहम के रिश्ते कौन से होते हैं? बहन भाई, खून के रिश्ते, सगे बहन भाई, सुतेले बहन भाई। खुदारा सोचिए अपनी औलादों के बारे में, और आप औलादें अपने वालिदैन के बारे में। आज बाप जब दूसरी शादी करता है तो उसको भूल जाता है कि
कि मैंने पीछे भी औलाद छोड़ी है। वो अपनी दूसरी बीवी में इतना मगन हो जाता है, और दूसरी बीवी वो ये चाहती है कि ये पहली औलाद को भी भूल जाए, पहली बीवी को भी भूल जाए, बस ये मेरा होके रहे, बस ये मेरे बच्चों का। जब आप ये सोचिए कि जब आप ये सोचेंगी कि वो मेरा होके रहे और पहली से टूट जाए, तो वो पहली से तो टूट जाएगा, लेकिन सोचिए वो आपका भी नहीं रहेगा, क्योंकि तोड़ना तो आपने उसको सिखा दिया, फिर वो टूट गया, और जब वो फिर आपसे टूटेगा तो फिर सोचिए आपकी औलाद से टूटेगा तो फिर क्या होगा। तो मैं यही कह रही हूं आप लोगों से बार बार कि तोड़ना तो हम पहले खुद सिखा देते हैं, फिर हम रोते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हम अपनी औलादों को जब वो गलती करते हैं तो हम उठ के उनको पहले शटअप कॉल क्यों नहीं देते, उन्हें समझाने में पहल क्यों नहीं करते, ये बात इतनी फैलती या इतनी निकलती ही क्यों है अपनी दस्तरस से कि हमें दूसरों से कहना पड़े कि खान साहब यूथ को समझाइए, ये आपकी गर्विदा तो बहुत है लेकिन पेरेंट्स की बदतहजीब है। आप पेरेंट्स ऐसा हम क्यों कहें खान साहब से? खान साहब ने इसको रियासत मदीना बनाना है, और रियासत मदीना बनाने के लिए उन्होंने उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कोई भी मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले अपने वालिदैन के नाफरमान हो। वो तो यही कहते हैं कि आप एक कौम बन जाइए, आप एक ऐसी कौम बन जाइए कि जो दुनिया के नक्शे पे ऐसे उभरे कि एक अजीम कौम कहलाए, अजीम मुसलमान कहलाएं आप लोग। वो तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप रास्ता उनका देख ही नहीं पा रहे, आप उसके रास्ते पर चलना ही नहीं चाह रहे। आप पढ़े लिखे हैं, हमारे वालिदैन कमजोर हैं, हम ताकत से भरपूर हैं, लेकिन सोचिए जब हम कमजोर हुए उनकी उम्र में आए तो हमारे बच्चे जब हमारे साथ ऐसा करेंगे तो फिर हम कैसा महसूस करेंगे। और ये दुनिया ये खेती है जनाब, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यकीन कीजिए रिश्तों की खूबसूरती उनको जोड़ के रखने में है, उनको बांध के रखने में है। मत तोड़िए एक दूसरे को, मत जुदा कीजिए दूसरे को, अपनी अपनी जगह पे हर बंदा ठीक हो जाए। बेईमानियां करके किसके लिए बेईमानियां करते हैं? औलाद के लिए मत कीजिए, मत खिलाइए इनको हराम। हराम खिलाएंगे तो कल को अल्लाह को जवाब भी नहीं दे पाएंगे। एक शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया, पूरी जिंदगी उसने अपने गुनाहों में जिंदगी गुजारी, इतने गुनाह किए, मर गया, कुफर की हालत में मर गया। अल्लाह के पास जब पहुंचा तो जाहिर है वो रब्बुल इज्जत है, वो गफूर रहीम, तो हमें याद रहता है, हमें ये याद नहीं रहता कि वो कहार भी है। हम ये कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुआफ़ फरमा देंगे, उनकी शफ़ात हमें नसीब हो जाएगी, और बेशक होगी, लेकिन सोचिए कि हम सिर्फ उनको शर्मिंदा करने के लिए ही हैं। हम उनके बताए अहकाम की पाबंदी नहीं कर सकते, उनकी बताए हुए उनके उनकी सुन्नतों पे अमल नहीं कर सकते, तो हम कहाँ के मुसलमान ठहरे? मेरी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सोचिए, जब वो कब्र में गया तो उसको खूब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब पहुंचता रहा, पहुंचता रहा, पहुंचता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसको राहत पहुंची, पूछा, ए अल्लाह पाक, मैं तो नेकुकार भी ना था, कब्र में अजाब ही अजाब देखा, आज राहत पहुंची, वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, कि तूने पीछे एक बीवी छोड़ी थी और उसके पेट में तेरा एक बच्चा था, आज वो बच्चा पहली दफा मदरसे में गया और उसने पढ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
जब उसने ये पढ़ा तो मुझे बहुत शर्म आई कि मैं रहमान हूं, रहीम हूं, और मेरे बच्चे ने पहली दफा मेरा नाम लिया है और मुझे रहमान रहीम कहा है, तो मैं कैसे उसके बाप को कब्र में अजियत दे सकता हूं। तो मैंने उसके इस रहीम रहमान कहने पे तुझे माफ कर दिया। तो यही बच्चे होते हैं कल को हमें हमारी कब्रों के अजाबों से छुड़ाएंगे। आज हम नेक अमल करेंगे तो ये नेक और सवाले होंगे। आज अगर हम इनके शिकमों में हराम लुक में डालते रहेंगे, हराम लुक में, ये नहीं होते कि आप कमाई से उनको हराम लुक में खिला रहे हैं, हम हराम, हर किस्म का हराम होता है, रिश्तों से काटना, उनको बुरी बातें सिखाना, फलानी जगह मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, बेजा रोक टोक, अपने बच्चों को समझना ना, उन पे एतबार ना करना, ये सब चीजें हराम लुक्मों में आती हैं। खुदाया खुदाया रहम कीजिए खुद पर। क्या हम रिप्रेजेंट करते होंगे बाहर कि हम कैसे पाकिस्तान, वैसे तो हम जलसों में तो हम खूब इकट्ठे हो जाते हैं कि हम इकट्ठे हो गए, लेकिन हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हम एक मैसेज क्या दे रहे हैं। इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं कि हम एक मैसेज दें कि हम एक जिंदा कौम है, हम एक बात तहजीब कौम है, बद तहजीब नहीं। हमारा कल्चरल, हमारी ये रसूमात, हमारी सकाफत, हमारी ये तरबियत, ये बढ़ चल के बोले बताए हम मुस्लिम हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम खान साहब के चाहने वाले भी हैं। खान साहब की रिस्पेक्ट करते हैं आप लोग, तो खान साहब की रिस्पेक्ट के लिए ही अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट कीजिए। खुदारा होश के नाखून लीजिए इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, और ये करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, यकीन कीजिए। वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट है और मेरे प्यारे बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने वालिदैन को कहीं भी निगलेक्ट मत कीजिए, उन्हें कहीं भी शर्मिंदा मत होने दीजिए। घर की बात घर में रखिए, बड़े प्यार से, तहजीब से इस काम को सुलझा लीजिए, मना लीजिए, आज आज रिश्ते मना लीजिए, मेरे कहने पे आज जितने भी रिश्ते रूठे हैं उन्हें जाके मना लीजिए, माफी मांग लीजिए कि झुके हुए दरख्त को फल लगते हैं, जो अकड़ जाता है सफेदे की दरख्त की तरह गिर के टूट जाता है। सो प्लीज समझिए मेरी इस बात को, और मेरी इन बातों से फिर कहूंगी, किसी का भी दिल दुखा हो मैं दिल से माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरी इन बातों पे अमल कीजिए। अमल करके देखिए, खुद को अपनी अपनी जगह पे संवारने की कोशिश कीजिए, यकीन कीजिए इमरान खान साहब का सर भी उठेगा और हमारा सर भी उठेगा, बींग अ कौम, और हमारे पाकिस्तान का परचम भी इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह, और इस्लाम का नाम भी बुलंद होगा। 5 वक्त की नमाजी बनिए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। रात को जब बेड पे लेटिए तब काउंट कीजिए कि आज मैंने कितनी अच्छाइयाँ की और कितनी बुराइयाँ की, तो यकीन कीजिए कि आप जब ये सब चीज़ें आप अपना एनालिसिस खुद करके आप बेड पे लेटेंगे और माफ़ी मांग के सोएंगे अल्लाह से और सबको माफ़ करके सोएंगे, तो यकीन कीजिए बड़ी मीठी नींद आती है। और माँ के पाँव छू के सोएं, बाप का सर दबा के सोएं, उनकी टांगे दबा के सोएं, उनकी दुआएं लेके सोएं, यकीन कीजिए ये रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। पूछिए उनसे जिनके पास ये रिश्ते नहीं हैं, बहुत तकलीफ होती है, यकीन कीजिए जब आप इन्हें खो देंगे तो कहीं भी सुकून महसूस नहीं कर पाता इंसान। माँ बाप की गोद, चाहे हम शादीशुदा हो जाएं, बच्चों वाले हो जाएं, अगर वो जी रहे हैं तो हम दुखों से पाक हैं, हमें कोई दुख महसूस ही नहीं होता, सारे दुख ऐसे लगते हैं इतने छोटे छोटे से हैं, और जब माँ बाप नहीं होते तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने रेगिस्तान में खड़ा कर दिया हो,
धूप हो, जहाँ कोई छांव वाला दरख्त ना हो, जहाँ पाँव झुलस रहे हो, जहाँ जिस्म झुलस रहा हो। ऐसा महसूस होता है, यकीन कीजिए। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, कि खुदारा एक दूसरे का लिहाज, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते बांध के रखिए, खुद को कायम रखिए, अपने घरानों को कायम रखिए, अपनी फैमिलीज को खानों पे बुलाइए, मिलिए जुलिए खुशी के साथ। रिस्क अल्लाह ताला की जात देने वाली है, कोई किसी का रिस्क नहीं खाता, हर बंदा अपना रिस्क लेके आता है। आप जितना खिलाएंगे अल्लाह उतना अता फरमाएगा। करके देखिए, मेरा ये छोटा सा, छोटी सी काविश, छोटा सा मैसेज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मेरा पैगाम हर उस बच्चे तक पहुँचे, हर उन वालिदैन तक पहुँचे जो आज अंधेरों में है। शायद ये मेरी वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी में एक छोटी सी शमा का काम कर जाए, और मैं अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाऊं कि मैंने अपनी बात तो पहुंचा दी। और प्लीज अगर हो सके तो इन मामलात में सोचिए और खुद को ठीक करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी बात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और मेरी कही हुई बातों पे अमल करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।